मैं उखले सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ ही फिल्म इंडस्ट्री किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब छत्तीसगढ़ में भी एक से बढ़के एक सुपरहिट फिल्म देखने को मिल रहे हैं। और अभी के टाइम पर छत्तीसगढ़ में दो ही फिल्मों का नाम चल रहा है, सरई मूवी और दुल्हीन उही जौन पिया मन भाए। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों को आपस में हम कंपेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुल्हीन उही जौन पिया मन भाए। दोस्तों, इस फिल्म को शिव नरेश केशरवानी के डायरेक्शन पर फिल्माया गया है, जो कि एक बहुचर्चित फिल्म डायरेक्टर है, और इस फिल्म को 14 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई है। और दोस्तों, इस फिल्म में आपको कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, लव स्टोरी, रोमांटिक सीन जैसे जबरदस्त सीन आपको देखने को मिलेगा। और इस फिल्म के सभी गीत संगीत लोकप्रिय है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। और इस फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो साउथ फिल्मों की तरह लगता है। और वही दोस्तों, इस फिल्म में स्टार कास्ट के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे हैंडसम अभिनेता और आप सबके पसंदीदा एक्टर मन कुरैशी और खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली सहारे को लिया गया है। और पर्दे पर इन दोनों के इस खूबसूरत जोड़ी को लोग बहुत दिनों से पसंद करते आ रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद मन कुरैशी और सोनाली सहारे एक साथ और एक ही फिल्म में देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप लोगों ने इन दोनों के इस खूबसूरत जोड़ी को बीए सेकेंड ईयर जैसे सुपरहिट फिल्मों में देखा ही है। और दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी ऐसे युवक पर फिल्माई गई है जो अपने प्यार के लिए पूरे दुनिया से लड़ जाता है। और दोस्तों, इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो ज्यादातर मन कुरैशी के सभी फिल्म हाई बजट के फिल्म होते हैं, क्योंकि इसके फिल्म में अच्छे क्वालिटी के कैमरे का यूज किया जाता है। और इस फिल्म को बनाने में समथिंग 1 करोड़ रुपए का लागत आया है। और इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर एक आंकड़े के मुताबिक इस फिल्म ने 10 से 12 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और यदि बात करें सरई फिल्म को लेकर, तो सरई फिल्म इन फिल्मों से बिल्कुल अलग ही लेवल का फिल्म है। दोस्तों, इससे पहले हमने सदियों से देखते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लव स्टोरी फिल्म ही बनाए जाते हैं, जिससे लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म देखने से कतराते थे। लेकिन दोस्तों, 7 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सरई ने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इस फिल्म के स्टोरी बाकी छत्तीसगढ़ी फिल्मों से हटके हैं। इस फिल्म में लव स्टोरी के अलावा कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस जैसे जबरदस्त सीन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। यह फिल्म पारिवारिक और सामाजिक मुद्दे पर बनी है, और इस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है, और वो है आनंद मानिकपुरी, जिसे आप लोगों ने द एडीएम शो यूट्यूब चैनल पर देखा करते थे, और आज आप लोग सीधे बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। इस फिल्म में जनता को जागरूक करने के लिए ऐसे कई मैसेजेस दिए गए हैं जिसे आम छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नहीं दिखाए जाते हैं, जिनमें से सरकारी नौकरी वाले दामाद ढूंढना, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ों की अवैध कटाई, यूट्यूब पर काम करने वाले की दिनचर्या व उनकी कठिनाइयों से रूबरू कराना, शादी के नाम से दहेज मांगना, जरूरतमंद इंसानों की निःस्वार्थ मदद करना, ऐसे और बहुत सारे संदेश निर्देशक आनंद मानिकपुरी अपने सरई फिल्म के माध्यम से दर्शकों को दिखाया है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए हैं आनंद मानिकपुरी और खूबसूरत एक्ट्रेस अनिता बरेठ, जिसे आप लोगों ने कोचई पान गाने पर अभिनय करते हुए देखे होंगे। इस फिल्म को बनाने में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का लागत आ गया है। और वही दोस्तों, इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर समथिंग 16 लाख रुपए की कमाई करके छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के दो सुपरहिट मूवी का कंपेयर और इन्फॉर्मेशन वीडियो। इन दो फिल्मों में से आप किस फिल्म को ज्यादा पसंद करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर से बताएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।